अबे तूने वो देखा, आजकल लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं स्पेंडिंग 24 आवर इन कब्रिस्तान करो। अबे हाँ वो देखा है मैंने, ऐसी तो फिर करते हैं ना। पागल हो गया क्या कब्रिस्तान में 24 घंटे? क्यों डर गया? हमें तो अपने आप को चैलेंज किंग बोलते हैं, फिर तेरी कब्रिस्तान से तू डर रहा है। मेरे को शक था क्या, तुमने कमेंट देखा होगा लेकिन तू डर गया होगा। कहाँ तू कर पाएगा कब्रिस्तान में 24 आवर्स? ये तो वैसी भूत से तो डर लगता है, हॉरर सीन के जैसा होते रहते हैं। चल चल, अबे मतलब कहाँ, अबे अबे चल कहाँ। कब्रिस्तान में क्यों ले आया तू? मेरे को हल्के में ले रहा था ना, मेरे को लगा मजाक कर रहा। अगले 24 घंटे हम इस कब्रिस्तान में रहने वाले हैं। मैं बोलता वापस चलो। वापस नहीं, अब अगले 24 घंटे आ गए तो यही रहेंगे। हम कहाँ बैठे हुए यार, वापस चलते हैं। हमें मरने के बाद भी यहीं पे ही आना है, तो अभी तो टाइम है ना। और वैसे भी यार यहाँ की तैयारी कर लेनी चाहिए पहले ही। मतलब मेरी तो अल्लाह से यही दुआ है कि मैं पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे आऊँ पहले, ये नहीं कि एकदम से। और तुम लोग को भी अल्लाह ताला यही तौफीक दे कि तुम लोग पहले से इस चीज़ की तैयारी कर लो, अच्छे अच्छे काम करो, बुरे काम छोड़ दो भाई। वरना ये चीज़ हम देखते हैं ना, मतलब ईमान ताज़ा हो जाता है एक तरह से। मैं ऐसी ऐसी कब्रें देख रहा हूँ उधर के, मतलब वो ना टूटी नहीं है बिल्कुल, मतलब उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ये है भाई मेरे नाना की कब्र, महीना भी नहीं हुआ उनका इंतकाल हो चुका है। तुम लोग वीडियोज़ वगैरह देखा होगा उनके साथ मेरी, ऐसा नाना वाला सीन ही नहीं था। मतलब एक तरह से वो दोस्त की तरह ही थे, मतलब घुल मिल के रहते थे। और उनका भी इंतकाल हो गया, तो उसके लिए भी हम दुआ करेंगे। तुम लोग भी दुआ करना यार, मतलब नाना को, मतलब कि जन्नत फिरदौस में अल्लाह ताला जगह दें। और दुआ वगैरह करते हैं नाना के लिए, और फूल वगैरह डालते हैं। और बाकी भी कब्रें हैं जो रूखी सूखी पड़ी हुई हैं, जिनको कोई पूछ नहीं रहा, पे भी फूल वगैरह हम डालेंगे इंशाल्लाह। ये है भाई मेरा नाना की कब्र, और वो है बराबर वाली मेरी नानी की कब्र, मतलब दोनों साथ में ही है। मतलब पानी वगैरह फेंकते हैं पहले तो फ्रेश करते हैं इसको। ये कब्र देखो यार, बारिश वगैरह की उससे ना ये अंदर ढस गई है। ये सुराख वगैरह है तो हम तो झांक के नहीं देखेंगे बिल्कुल भी। और ये गुना भी है ऐसे देखना। ये देखो बच्चे की कबर, मुजम्मिल, इतना छोटा बच्चे की कबर। मतलब भाई मौत का कोई टाइम नहीं है, कभी भी आ सकती है भाई, तैयारी कर लो। मैं तो देख के ही दिल दहल जाता है यार, मतलब इतने इतने छोटे छोटे बच्चों की भी कबर है। बिल्कुल खराब हुई हुई है हालत ना, पता नहीं क्या निजाम है। एक और छोटे बच्चे की कबर, अल्लाह इसको जन्नत और फिरदौस में जगह दे भाई। ये कबर भी अंदर ढस चुकी है बिल्कुल। और ये फाइनली हमने 7-8 कब्रों पे फूल डाल दिए हैं। अब नाना की कब्र की तरफ ही चलते हैं और दुआ वगैरह करते हैं उनके लिए। तुम लोग भी प्लीज दुआ करना यार। जब नाना का इंतकाल हुआ ना, ऐसा लगा पहली बार कोई अपना मतलब चला गया है, और इस तरह दुख हुआ। मतलब पहले कभी मुझे ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस बार हुआ क्योंकि नाना के साथ बहुत अच्छी अटैचमेंट थी। आयो قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس مغرب کا ٹائم وغیرہ ہو رہا ہے اذانیں ہو رہی ہیں اور رات بھی ہونے والی ہے اور وہ ہو رہا ہے کہ مطلب یار किस तरह रहेंगे हम यहाँ पे, तो कोई है भी नहीं। पूरा देख रहे हो तुम लोग, कोनों तक बिल्कुल पूरा कब्रिस्तान है। और पता नहीं कितनी लाखों में यहाँ पे कब्रें होंगी, और कब्रें भी भाई पैसों से बिकने लगती हैं। मतलब मुझे पहले ऐसी चीज़ पता नहीं थी, जब मुझे पता चली मैं हैरान हूँ यार, मतलब मरने के बाद भी खर्चे होते हैं। देख सकते हो तुम लोग पूरा शाम का मंजर है, और अभी अभी बिल्कुल ही मगरिब की अजान हुई है, और कब्रिस्तान ना और खौफनाक सा होता जा रहा है। मुझे डर तो लग रहा है, लेकिन जब इसने मुझे चैलेंज दे दिया ना तो मैं रुक जाऊंगा। और मेरे नाना भी मेरे साथ हैं, थोड़ा सा मुझे डर कम लग रहा है नाना क्योंकि इधर है मेरे, लेकिन फिर भी
है तो कब्रस्तान भाई, यहाँ पे लाखों में कब्रें हैं। देख सकते हो तुम लोग, जितना हम आगे तक चलते जाएंगे ये साइडों में इधर उधर हर जगह कब्र ही कब्र है। और हम लोग आगे आगे की साइड जा रहे हैं। नाना की कब्र तो मेरे फ्रंट पे ही थी कब्रस्तान के, लेकिन आगे जो हम जाते रहेंगे ना गहरा होता जाएगा कब्रस्तान। सबसे ज्यादा डर हमें किस चीज का लगता है? डकैतों का। कराची में इतनी दहशत हो गई है ना, कब्रस्तान में भी आ जाएंगे मोबाइल छीन के ले जाएंगे। बताओ इन लोग को, छोड़ो मैं क्या बोलूँ, अब बंदा किस तरह वीडियो बनाए। और तुम लोग को लगता है, और 10,000 वीडियो के आइडियाज ना हमारे इस वजह से दबाने पड़ते हैं क्योंकि ये सीन होता है। तो बाकी चलते हैं अब आगे। वो क्या आ रहा है? वो कुत्ता आ रहा है। अबे कुत्ता आ रहा है। अबे कब्रस्तान में आ गया तो कुत्ते से डर रहा है। अबे तो कुत्ता है ना, पर कुत्ते से मुझे डर लगता है। अबे डर लग रहा है यार कसम से। अबे वो चला गया, वो देख गायब हो गया। चला गया। अबे चीले क्या कर रही है इतनी सारी आसमान पे? भाई जल्दी आगे आ जा, आगे ही आ जा, ये मसला ना हो जाए। निकलो निकलो निकलो। अबे पता नहीं कितने कितने पुराने पुराने 90-100 साल पुराने लोगों की यहाँ पे कब्र होगी। कब्र छोड़, आत्माएं होंगी उनकी। हमें ये ध्यान रखना है कि हम किसी की भी कब्र पे ना चढ़ जाएं, भेद भी ना करें किसी भी चीज की। तो अभी हम देख लो तुम लोग प्लेन रोड पे चल रहे हैं, वहाँ मेरे नाना की कब्र थी, वहाँ पे भी मैंने इस चीज का ध्यान रखा। तो चलो यार आगे चले, आवाजें आ रही है, निकलने। अबे चलते चलते रात हो गई। अबे तो क्या हुआ, रात होने देना, अभी भी मौका वापस चल लेते। अबे आप कहाँ से जा सकते हैं, अब तो हम गहराई में आ गए। रात के टाइम कब्रस्तान में भाई तुम लोग देख सकते हो पूरा कोहरा ही कोहरा है यार, आगे पीछे इधर उधर अजीब अजीब सी आवाजें भी आ रही हैं। चलो जा आगे चलते हैं। और अबे और कितना आगे जा रहा है, वापसी चल, यही बैठ जाते हैं। अबे यार और आगे चलते हैं ना थोड़ा। अबे और कुछ भी नहीं है, और कब्रें होंगी। खैर से आया ना। अबे ये बंदा कितना अजीब सा लग रहा था। अबे हाँ, अभी ये बंदा आया बोल रहा था भाई चले जाओ ये वो, यहाँ पता ही मेरे को लग रहा है चरसी वर्सी है यहाँ पे, कुछ गलत ही कर रहा था, चरसे वर्से पी रहा था। पता नहीं वहाँ बैठा हुआ है वो बंदा जाके, मेरे को तो डर ही लग रहा है यार। कब्रस्तान में भी ये लोग छोड़ते नहीं है चरसी वर्सी। अभी कीड़े वीड़े निकल रहे हैं यार कब्रों से, बड़ा खतरनाक कब्रस्तान है वैसे यार। भाई मैं यही बैठ रहा हूँ, तेरे को जाना, तू जा। अबे चल यार साथ आगे एक्सप्लोर करते हैं ना। कब से चल रहे हैं, रात हो गई यार, फिर मैं ही चलता हूँ। यार बहुत टाइम हो गया, कहाँ निकल गए, आए नहीं अभी तक, कुछ देखने जाना पड़ेगा, अकेला मैं नहीं रुक रहा यहाँ पर। वो कुत्ते सो रहे हैं और कुत्तों से डर लगता है। बाकी मुझे इस कब्रस्तान से खौफ नहीं आ रहा जितना मुझे कुत्तों से डर लग रहा है। भागो। अबे कहाँ गया ये? अबे पेट्रोल वाला किधर गया? यहाँ तो बैठा था, इसको मैं बोल लाता यार कहीं। डर लग रहा है यार, आ जाएगा शायद, वॉशरूम गया होगा। एक तो उसका वॉशरूम का बड़ा मसला है हर चैलेंज में, मैं इधर ही बैठ के इंतजार करता हूँ उसका। इसको ढूंढना पड़ेगा, मेरे को यहाँ वैसे बहुत डर लग रहा है। एक जा कहाँ सकते, इसको मना किया था कि और आगे मत जा, और आगे मत जा। किधर निकल गया ये, वापस चला जाऊँ क्या मैं? नहीं, गाड़ी की चाबी तो उसके पास है। हाँ निकल गया ये, इसको ढूंढू कहाँ पर, अरे ये तो कब्र है। अबे ये क्या कब्र? यार ये कहाँ चला गया पेट्रोल वाला? अभी तक 1.5 घंटा हो गया और ये आया ही नहीं, इसको मुझे ढूंढना पड़ेगा। अबे जगह जगह कब्रें हैं यार, देख देख के चलना पड़ेगा, कब्रों पे ना चढ़ जाऊँ मैं, बहुत डर लग रहा है। यहाँ से चलते हैं, यहाँ से रास्ता भी आगे। भाई 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 भाई, बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। अबे ये क्या, अबे अब इसको क्या हो गया? उठ भाई उठ, अबे उठ, अबे क्या हो गया? जिंदा है जिंदा है जिंदा है, उठ, क्या कर रहा है भाई? अबे क्या हुआ तेरे साथ? अबे यहाँ से चल। अबे कहाँ चलू? अबे रुक, अबे कहाँ जा रहा है? अबे अबे रुक यार, बात तो सुन। अबे चल भाई निकल यहाँ से भाग। अबे क्या है बता दो। अबे कहाँ ले आया यार तू? अबे यहाँ फिर भी सही है। अबे ये तो हम कब्रस्तान के कोने पे आ गए और ज्यादा। अबे तो सही है ना, ये थोड़ा तो बाहर निकला ना कब्रों से। तो भाई क्या हो गया, क्यों डर रहा है तू? अबे मैं वहाँ गिर गया एकदम से, पता नहीं मेरे को क्या हो गया, बेहोश हो गया। अबे तू तू एक्टिंग कर रहा है, ओवर एक्टिंग बहुत करता है यार गाइस। अबे ओवर एक्टिंग नहीं, सच में पड़ा हुआ था मैं, ऊपर से वो बंदा आ गया था। क्या बोल रहा था? मैं बोला था निकलो यहाँ से। क्यों? अबे पता नहीं बोले कब्रस्तान में, इतना तुम देर से आए हो। अबे 125 पे घूम रही है तू, रोड की साइड पे हमें ले आया, यहाँ मोबाइल छिन जाएगा मेरा आईफोन। अबे यार फिर भी मोबाइल छिनेगा, जान तो नहीं छिनेगी ना अंदर से? अबे यार खैर होगी जान की, जान की तो अगर हमें परवाह करनी होती ना, हम आते ही नहीं यहाँ पे कब्रस्तान में। तुम लोग के कहने पे सिर्फ आए 24 आवर इन कब्रस्तान, क्या करें अब यार। तेरे को करना था नहीं, मैं कर सकता। अबे तो भाई लोगों ने दिया था ना चैलेंज, हम इन लोग की सुनेंगे ना? बोल लेते नहीं कर सकते। अबे वापसी चलते हैं अंदर, खैर होगी।
सुबह चले जाएंगे, सुबह होने वाली है। अभी क्या टाइम हो रहा होगा, 1:30 बज रहा होगा ज्यादा से ज्यादा। अबे नहीं ज्यादा हो गए, मैं 1:30 बजे तो मैं बेहोश हो गया था। अबे चलते हैं यार, चल आ जा, कुछ नहीं होता, खैर हो गई। अबे देख ले, अबे चल यार, अबे इस पेड़ों के बीच में से चल। अबे सही है, रास्ते से चलते। अबे देख ले भाई, चैनल भारी पड़ जाएगा बहुत ज्यादा यार। वो देख, अभी हम दोबारा जा सकते हैं। क्या मतलब दोबारा जा सकते हैं, एक बार बाहर आ गए यार। अबे तू फिर से कोई अंदर वाली साइड ले आया तू। खैर हो गई यार, यहाँ पे एक दरवाजा है, उसके अंदर घुस जाइए। अबे ताला लगा हुआ है। अबे खैर हो गई यार, तोड़ना इसको। क्या क्या कर रहे हो यहाँ पे? वीडियो बना रहे हैं। टिकटॉक की वीडियो बना रहे हो? नहीं नहीं, टिकटॉक की वीडियो नहीं बना रहे। नहीं, इजाजत आपने किसी से ली है? इजाजत नहीं ली। तो आप कैसे यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हो? ये नीचे करो आप, आपने किसी से इजाजत नहीं है, आप शूट कर रहे हो यहाँ पे। कैमरा वैमरा ऑन किया, ऑन करके रखे हो आपने। आप टाइम देख लो, टाइम क्या हो रहा है, मतलब 3:30 बज रहे हैं आप इस टाइम पे यहाँ पे। आपको पता है अभी पिछले दिनों में एक हादसा हुआ था। क्या हुआ था? यहाँ पे भी ऐसे आपकी तरह शूट करने आए तो उन्हें इजाजत नहीं दी। इल्जाम लगाया वो कफन चोरी का। कफन चोरी का? हाँ, तो हम तो बस यहाँ शूट कर रहे हैं। आपने इजाजत नहीं ली है ना, हम कैसे यकीन करें आप शूट कर रहे हो? बेहतर होगा आप यहाँ से चले जाएं। एक तो आपने टाइम इतना यहाँ पे शूट किया, और ये जो आपने शूट किया ये सारा कुछ डिलीट कर दें। चले ठीक है, हम लोग कर निकल जाते हैं। हाँ आप निकले तो अच्छा है यहाँ से। चले ठीक है, यार एक तो हम जो भी चैनल स्टार्ट करते हैं बीच में आके मसले मसाले शुरू हो जाते हैं। क्या करें भाई, मसले इतने हैं ना, एक वीडियो बंदा बनाने बैठे 10 मसले, परमिशन क्यों, ये वो। हम लोग वैसे भी निकलने ही वाले थे, हमारा सुबह तक रहने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग ने बोला कि सरवाइव करते हैं, थोड़ा टाइम देखते हैं क्या भी चीज़ें होती है, वो रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन एक बंदा वहाँ पे हम लोग ने स्पॉट किया था जो चर्सी वगैरह लग रहा था, और मेरे ख्याल ये उसके साथ ही था ये लड़का जो आया है ना अभी, इसने बोला हमें ये वो। पता नहीं अब लोगों का क्या सीन था, यहाँ का था भी या नहीं ये वो, और डकैती का अलग डर रहता है। हम कोई उल्टी सीधी हरकत भी उधर नहीं कर रहे थे कि हमने कैंप लगा लिया ये वो, और बिल्कुल नॉर्मल सी वीडियो बना रहे थे। कफन चोरी कर रहे हो, वहाँ पे चर्सी बैठे हैं, उनको तो पहले बाहर निकालो। पूरी हमने कोशिश की थी इस चैलेंज को कम्प्लीट कर लें, लेकिन मसले मसाइल तो तुम लोग को पता है हर वीडियो में आते रहते हैं। अभी मैं सोच रहा था ये चीज ना दिखाऊं, वीडियो डिलीट कर दूं, क्योंकि वीडियो इतनी बनी नहीं थी। फिर भी यार लाइक सब्सक्राइब कर देना, हम लोग ने अपनी तरफ से पूरी जान मारी थी कि वीडियो बन जाए, 50,000 लाइक का टारगेट है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, चलो स्टार्ट।